पहले शाहिद अफरीदी, फिर जावेद मियादाद और अब पाकिस्तान के इस खिलाड़ी के बयान से एशिया कप 2023 पर विवाद और गहरा गया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने दिया बवाल मचाने वाला बयान। दोस्तों ये क्या है पूरा विवाद, ये इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। बस दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर विवाद तो पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से यह मामला और गर्माता नजर आ रहा है। हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई थी कि एशिया कप के आगामी संस्करण की मेजबानी पाकिस्तान से छिन गई है। वहीं श्रीलंका क्रिकेट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। ऐसे में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का झल्लाना लाजमी था। उसी झल्लाहट में अब पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज ने ऐसा बयान दिया है जो इस आग में घी डालने का काम कर सकता है और इस मामले में बवाल मचा सकता है। दोस्तों शाहिद अफरीदी और जावेद मियादाद समेत कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इस मुद्दे पर बेतुकी बयानबाजियां पहले की थी। वहीं अब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जुनेद खान ने भी उसी भेड़ चाल के आगे बढ़ते हुए बेतुका बयान दिया है। क्रिकेट पाकिस्तान ने जुनेद को कोट करते हुए उनके हवाले से लिखा है कि जब सभी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं तो भारतीय टीम को क्या समस्या है। वह यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी झल्लार से भरे हुए इस बयान में यह भी कहा कि क्या भारतीय खिलाड़ी दूसरी दुनिया से आने वाले एलियंस हैं। दोस्तों शायद जुनेद को यह जानकारी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या राजनीतिक मतभेद चल रहे हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि और देशों और भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान जाने में जमीन आसमान का अंतर है। खास तौर से मुंबई में हुए 26/11 हमले और फिर पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम की बस पर हुई गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए जुनेद का कहना कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ सकते हैं और उन्हें सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है तो भारतीय खिलाड़ी क्या एलियन से जो उन्हें समस्या है। दोस्तों इसका जवाब शायद जुनेद को तब मिल जाएगा जब वह विस्तार से दोनों देशों के बीच हुए पिछले सभी राजनीतिक मतभेदों का गहन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।